मिस्टी, मै, डॉन, आयरिस, सरीना, हाँ इन पोके गर्ल्स में से सबसे बेस्ट पोके गर्ल कौन है? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा। नहीं आया तो ले आओ, क्योंकि हम बचपन से पोकेमॉन देखते आ रहे हैं और पोकेमॉन में ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ घुमा फिरा है। हाँ तो उनमें से बेस्ट पोके गर्ल थी कौन? तो लोग कहते हैं सरीना, कोई मिस्टेक कहता है, लेकिन कोई भी मतलब मैं, डॉन, आयरिस इनका नाम नहीं लेता। तो इसलिए हम कुछ मेन मेन गर्ल्स को ही आगे लेंगे और उनमें से हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट पोके गर्ल कौन हो सकती है। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं मिस्टी के बारे में। हाँ, क्योंकि मिस्टी वो पहली गर्ल थी जो हमें जूटो में दिखाई दी थी। हाँ, जब हमने पहली बार पोकेमॉन देखा था तो हमने देखा था मिस्टी को, इसलिए कुछ लोगों को मिस्टी ही पसंद है, इसलिए वो जज करते हैं कि मिस्टी को ही बेस्ट पोके गर्ल के लिए चुना जाए। हाँ तो मिस्टी, हाँ मिस्टी बाद में लीव कर गई थी पोकेमॉन में से। हाँ बाद में वो आलोला में रिटर्न भी आई थी, यानी कि पोकेमॉन सन एंड मून में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मिस्टी को बेस्ट पोके गर्ल ठहराना ठीक रहेगा? तो मेरे लिए तो नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि आप एक, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, वो चार्ट आप देख लो और आप ही डिसाइड करो कि बेस्ट पोके गर्ल कौन होनी चाहिए। तो देख लिया। तो दोस्तों इसमें से बेस्ट पोके गर्ल के हम सरीना को लेते हैं। हाँ तो सरीना, वो है ऐश का क्रश, ये हम सबको पता है, क्योंकि वो बेस्ट सीरीज पोकेमॉन की, यानी कि पोकेमॉन एक्स वाई, और वो 215 में जब आई थी और जिन जिन लोगों ने देखी वो पोकेमॉन के फैन बन गए थे। हाँ आपने भी 215 में पोकेमॉन एक्स वाई देखा ही होगा और इसलिए आप अभी पोकेमॉन के फैन हैं। और जिन जिन्होंने सरीना को नहीं देखा वो कहेंगे कि मिस्ट्री इज़ द बेस्ट पोकेगर्ल। हाँ मैं भी पहले यही सोचता था जब तक मैंने एक्स वाई नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही मैंने पोकेमॉन एक्स वाई को देखा तो मुझे पता चला कि नहीं यार, मिस्ट्री को नहीं, हमें ठहराना चाहिए सरीना को कि वो बेस्ट पोकेगर्ल है। अगर आपको कोई से शिकायत है तो दोस्तों कमेंट में बता दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।